ओपिनियन पोल के मुताबिक पंजाब के चुनाव में चमकौर साहिब सीट से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव जीत सकते हैं, वो अच्छी स्थिति में है। पंजाब की अमृतसर ईस्ट सीट से पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी चुनाव जीत सकते हैं। जलालाबाद सीट से शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर बादल चुनाव जीत सकते हैं। पंजाब की धुरी सीट से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान भी चुनाव जीत सकते हैं। पंजाब की पटियाला सीट से पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चुनाव जीत सकते हैं। तो अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री भले ही ना बन पाए, उनकी पार्टी भले ही ज्यादा सीट ना जीत पाए, लेकिन वो चुनाव जीत रहे हैं। और शिरोमणि अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल लंबी सीट से चुनाव इस बार भी जीत जाएंगे। पंजाब की कादियां सीट से कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा चुनाव जीत रहे हैं। मजीठा सीट से शिरोमणि अकाली दल के बिक्रम सिंह मजीठिया भी चुनाव जीत रहे हैं। भटिंडा अर्बन सीट से कांग्रेस के मनप्रीत सिंह बादल चुनाव हार सकते हैं। इस सीट से आम आदमी पार्टी इस समय जीत रही है, तो ये रेड सिग्नल है उनके लिए। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक जलंधर कैंट सीट से कांग्रेस के परगट सिंह भी चुनाव जीत रहे हैं। पंजाब के इस ओपिनियन पोल पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। पहले आपको ये बयान हम सुनवा देते हैं और फिर आपको इस ओपिनियन पोल की पांच बड़ी बातें हम बताएंगे। ओपिनियन पोल दिखाता है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली बीएसपी गठबंधन जो है उनमें बराबर की टक्कर है और किसी को बहुमत नहीं मिल रहा। एक हंग असेंबली पंजाब में बनने जा रही है, पर कांग्रेस का मानना है कि अगर मुख्यमंत्री की रेस में किसी को देखा जा रहा है नंबर एक पर, तो कांग्रेस के हमारे अभी के मुख्यमंत्री चन्नी जी को 31.4% जो है वो मत से सबसे आगे दिखाया जा रहा है। इसी आधार पर मुझे विश्वास है कि 111 दिनों के चन्नी सरकार, चंगी सरकार, लोकादी सरकार लास्ट की पारी खेली, चौके छक्के लगाए और जनता ने, पंजाब की जनता ने उसे बिल्कुल सराहा है। इसी आधार पर मैं कह रही हूं, पंजाब में हंग नहीं पूर्ण बहुमत की स्थिर और मजबूत सरकार लोग बनाने जा रहे हैं। 117 जगह पर ना तो भगवंत मान चुनाव लड़ रहे हैं, ना 117 जगह पर चन्नी साहब चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव होगा लोकल कैंडिडेट के बीच में, और लोकल कैंडिडेट के बीच में जब चुनाव होगा तो लोगों के पास 117 चॉइसेस होंगी। ये परिणाम बदलने वाला है। मैं आपके पोल को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन जब उम्मीदवार वर्सेस उम्मीदवार चुनाव होगा तो ये बदलेगा, और इस बदल में एक और शक्ति उभर कर आएगी। वो शक्ति होगी भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल ढींडसा, वेल पंजाब लोग कांग्रेस पार्टी, और मिलकर हम एक अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम लोग ये समझते हैं एंटी कंपेंसी भी थोड़ा बहुत होगा, उसमें कोई कुछ मुद्दे हमारे रह भी जाएंगे। काफ़ी मुद्दे जो हैं हमारी 111 दिन की सरकार में, काफ़ी हद तक मुद्दे जो हैं वो चन्नी सरकार ने वो हल किए हैं। कांग्रेस के लोगों के जो मुद्दे थे, जो आम लोगों के मुद्दे थे, जो और काफ़ी चीज़ों से जुड़े, चाहे बिजली पानी का मुद्दा था, चाहे नीचे 5 मरले के प्लाट थे, चाहे पेट्रोल और डीजल का मुद्दा था, चाहे इंडस्ट्री का मुद्दा था, चाहे बिजली कम करने का मुद्दा था, वो चन्नी सरकार ने बहुत से मुद्दे जो हैं वो हल किए हैं। मगर हमें समय बहुत जो है वो कम मिला है, हमें इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, मगर हमें फिर भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।